हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एस मेडिको। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ नेगेटिव ब्लड के बारे में। बात करेंगे ओ नेगेटिव ब्लड किस किस को डोनेट कर सकता है और किस किस ब्लड ग्रुप से ले सकता है या नहीं ले सकता, इसके बारे में हम बात करेंगे। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को डोनेट कर सकता है और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी से ब्लड ले सकता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा ग्रुप होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या क्या कमी रह गई। और जो सब्सक्राइब के नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑन कर देना, यदि मैं फ्यूचर में कोई वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए कि मेरा वीडियो यूट्यूब पर आ गया। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं। अब स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं जिसमें ए बी ओ। अब इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव अलग होते हैं, आठ प्रकार के होते हैं। जैसे ए आ गया तो इसमें ए नेगेटिव आ जाएगा, ए पॉजिटिव आ जाएगा। बी आ गया, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। अब ए बी आ गया तो इसमें ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। अब ओ आ गया, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। ये आठ प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है। ओ नेगेटिव होता है। जिस इंसान के अंदर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है तो वे बहुत रियल बंदा होता है, क्योंकि हमारे संसार में 0.5% ही लोगों को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। और ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या करता है कि सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। यदि इसको फ्यूचर में कभी ब्लड चाहिए ओ नेगेटिव वाले पेशेंट को, तो ये ब्लड ओ नेगेटिव वाले ही पेशेंट से ब्लड ले सकता है और किसी ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता। अब हम बात करेंगे ए बी। ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी को भी डोनेट नहीं कर सकता, ओनली ए बी को छोड़ के, और सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये ए बी होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर और ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। अब हम बात करते हैं कि ओ नेगेटिव सबको ही ब्लड दे सकता है और सभी से ब्लड नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ओ नेगेटिव के अंदर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते और सबके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। यदि ओ नेगेटिव वाला ब्लड सबको ब्लड देता है तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता बॉडी के अंदर, आराम से बॉडी एडजस्ट कर लेती है ओ नेगेटिव वाले ग्रुप को। यदि ए बी और ए बी वाले ग्रुप वाले डोनर ओ को डोनेट करते हैं तो ओ वाला ब्लड उसे नहीं ले सकता, क्योंकि इनमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और ओ में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। तो इसलिए ये कभी ब्लड देंगे इसको तो इसके अंदर इन्फेक्शन लाइक कोई भी ऐसी बीमारी ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए संसार में 0.5% ही लोग ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। मेरा खुद का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, मेरे फादर का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, मेरे दादाजी का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ये जेनेटिकल चला रहा है। तो इसलिए मैं सभी को डोनेट कर सकता हूँ। यदि मुझे फ्यूचर में ब्लड की आवश्यकता होती है तो मुझे मेरा फादर डोनेट कर सकता है, मेरा भाई डोनेट कर सकता है या मेरा दादा डोनेट कर सकता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।